के शादी यादव ने अपने स्तर से बहुत बढ़िया ही रोल किया है। रणी का फैन है, रणी में सर कहाँ से आए हुए हैं? मौजूद है, आइए ये देख के आ रहे हैं मूवी। कैसा लगा मूवी संघर्ष? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। सिनेमा है तो एक भी डायलॉग याद है कि नहीं इस मूवी का? डायलॉग है बहुत सारा, डायलॉग है। गाना अच्छा कैसा लगा? गाना बहुत अच्छा गाना लगा है। साथ साथ में हर हर गंगे भी रिलीज हुई है और साथ में ये भी संघर्ष 2 भी चल रहा है। कौन सी अच्छी मूवी लग रही है? किसके तो यही अच्छा लगा, किस लगा तो फैन है, खेसारी लाल यादव का फैन है इसलिए मतलब यहाँ पे नहीं मतलब फैन का और कैरेक्टर का फैन, मतलब उनका सिनेमा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद भोजपुरी मूवी आई है। यस इस हॉल में क्या कुछ कहिए, क्या कुछ अलग देखने को मिला है? अच्छा लगा है देखने में, कुछ नया अलग इस मूवी में देखने को मिला है। यस उसमें ये है कि मतलब अलग सा है, बच्ची के बारे में दिखाया जा रहा है तरीके से। अच्छा खेसारी लाल जी की जो बेटी है कृति, वो भी इस फिल्म में अभिनय की हुई है। जी वो उनका IPS लास्ट में IPS बन रही है, शुरू उनका पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है, उनको संघर्ष करते करते लाल मतलब अपनी। अच्छा पूरी कहानी क्या उन्हीं पर डिपेंड कर रहा है ये? मतलब लड़की पर ही है, मैं उनकी लड़की पे ही पूरा कहानी संघर्ष को दिखाया जा रहा है, किस तरह से संघर्ष करके वो लड़की आई है IPS कर रही है, IPS बन रही है, यही वगैरह है। आजकल के लोग जो मतलब बच्चे को ही कर रहे हैं वही सब। तो देख सकते हैं कि जो मोती सिनेमा में हर गंगे पवन सिंह की मूवी चल रही थी उसी बीच और मोती सिनेमा हॉल में लगता है संघर्ष 2 जो कि काफी भीड़ भाड़ के बीच दिखाया जा रहा है। और पवन सिंह की जो मूवी थी जो कि ग्रीजला में बताया जा रहा था कि दर्शक ने जुटे, लेकिन संघर्ष 2 में काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। संघर्ष 2 इसलिए देखे है कि नहीं मूवी वाला? अभी मॉर्निंग शो में हमने देखा, देखा पिक्चर, देखा कैसा है मूवी? पिक्चर बहुत बढ़िया है, सब मसाले हैं पिक्चर में, कोई पब्लिक घबरा नहीं रहा, कुछ हॉल से बाहर नहीं आ रहा। अच्छा ये चीज लगता है कहीं कहीं देखते हैं भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर काफी चीज बोला जाता है। हाँ, ये मूवी पारिवारिक है, ये पारिवारिक भी है, लड़के की भी है, जो गलत काम करते हैं उसका सजाए क्या मिलना चाहिए वो भी दिखाया, पुलिस को किस तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहिए वो भी। खेसारी लाल यादव ने अपने अस्तर से बहुत बढ़िया ही रोल किया है। तो ये देखिए कुछ लोग अभी आए हुए हैं देखने के लिए, क्या कुछ सोच के आए हुए हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है? अरे हम ट्रेंडिंग स्टार को हम हर मूवी देखते हैं, ये भी मूवी देखेंगे। अच्छा इंतजार में थे कि आरा में क्यों नहीं लगा है? हाँ हाँ इंतजार में थे तो कि पटना में अब जाना पड़ेगा यही सोच रहे थे, लेकिन अब आरा में लग गया। आरा में लग रहा है कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ सोच के जा रहे हैं? क्या भोजपुरी फिल्म के गाने को लेके जा रहे हैं या फिर ट्रेंडिंग स्टार के फैन इसलिए जा रहे हैं या फिर उनकी बेटी पहली बार इस फिल्म में अभिनय की वही सोच के जा रहे हैं? ट्रेंडिंग स्टार का फैन है, ट्रेंडिंग स्टार कहाँ से आए हुए हैं? आरा से। आरा में तो पवन सिंह जी का आया जाता है कि जलवा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आरा से आए हुए हैं और हर गंगे भी देखे हुए हैं? नहीं जाना है उधर बाद में। अच्छा वहाँ पे भी जाएंगे। और खेसारी लाल यादव के आप भी फैन है? नहीं नहीं सर। देखिए पहला शो अभी लगा हुआ है और पहले शो में भीड़ देखने को मिल रहा है, जबकि हर हर गंगे सपना सिनेमा हॉल में लगी हुई थी लेकिन बुरी तरह से वहाँ पे दर्शक नहीं जुट पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि काफी भीड़ दिख रही है और जो भी दर्शक आए हुए हैं आरा जिला में पवन सिंह का क्रेज। अच्छा पवन सिंह की खेसारी जी किसका क्रेज आ रहा है? खेसारी जी का संघर्ष 2 का? हाँ संघर्ष 2 का। ये देख सकते हैं आरा जिला में भी खेसारी लाल जी का जलवा है, बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं और काफी सारे लोग अभी नीचे टिकट काउंटर पे हैं। तो और देखिए यहाँ पे जो टिकट कलेक्ट करते हैं यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है इस मूवी का? पिक्चर बहुत अच्छा है, पिक्चर बहुत अच्छा है। हाँ पिक्चर पब्लिक बोला कि अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कह रहा है, दर्शक का रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत फैमिली पिक्चर है, एकदम फैमिली के साथ आइए। आए दिन देखा जाता है कि भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर बोला जाता है, इसमें कुछ अश्लीलता नहीं है, एकदम परिवार सही का। हां एकदम परिवार को लेकर आइए दिखाइए, बहुत अच्छा मूवी है। नवरात्रि का समय है तो सब लोग परिवार के साथ घूमने आएंगे, लोग नवरात्रि में चले जाएंगे। नवरात्रि पर्व होने के बाद बहुत भीड़ होगी हॉल में, रात में भीड़ होगी। हां रात में तो भीड़, रात में भीड़ होगी। अभी भी देखिए रिस्पॉन्स बहुत कुछ अच्छा है। आप जो लोग अश्लीलता को लेकर भोजपुरी फिल्म नहीं देखते हैं लेकिन बता रहे हैं कि भोजपुरी में इसमें अश्लीलता नहीं है, बहुत नहीं, बहुत, बहुत अच्छी मूवी है। कहाँ से आ रहे हैं आप? आरा से ही है। आरा से ही है, खेसारी लाल के फैन है? ना फैन ना, बस इंटरटेन करने के लिए आए थे। अच्छा मूवी देखने आ गए? हाँ बहुत बढ़िया मूवी है, आप भी देखने आए? हाँ कुछ लग रही है, छोटी बच्ची आप ही के साथ है? मतलब घूमने आए थे तब देखने आ गए? देखने स्पेशल देखने आए, खेसारी लाल का होगा, गंगे भी देख लिए? नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे खेसारी लाल यादव जी की जो पॉपुलरिटी है आरा शहर में, जो कि बताया जाता है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हर हर गंगे से ज्यादा भीड़ खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 में है। तो जो भी दर्शक देखना चाहते थे और सोचते थे कि अब देखने के लिए पटना जाना पड़ेगा, तो उनको मैं बता दूं कि पटना अब जाने की जरूरत नहीं है, आरा शहर में मोती महल में ये फिल्म लग चुकी है। 400 चलेगा सुबह का, 200 और रात का 9 से 12 और 12 से 3। दशहरे के शुभ अवसर पर जो 200 बढ़ाया गया है, दशहरे के शुभ अवसर पर बढ़ाया गया है,
कि गांव से जो भी लोग आते हैं वो आराम से रात में मिडनाइट में मूवी का आनंद ले सके और पटना जाने की अब जरूरत नहीं है। काफी सारा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, यहाँ के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि मूवी बहुत अच्छी है, आके परिवार के साथ आप देख सकते हैं। चलिए और क्या कुछ कहा जाए आज के वीडियो में, इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।